अरे गुस्सेल है, बहुत ज्यादा गुस्सेल है। तो खेतों में फसल कटाई चल रही है, तो हाँ चावल चावल की, तो ऐसे हालत में सांप दिखना लाजमी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ घास काटनी है चावल की, और जो काटी हुई है तो वहाँ पर आकर सांप बैठ जाते हैं। तो अभी ये जमा किया हुआ है, ये इस तरह से इस साइड में देखो तो ये पूरा ऐसा लॉन्ग रखा है, तो वो जमा करते हैं तो उसमें आकर सांप बैठ जाते हैं। तो कभी कभी गलती से हाथ या पैर उस पर पड़ जाता है। मैंने कल वहाँ पर दो सांप पकड़े, वहीं पर अभी जा रही हूँ, वहीं पर दो सांप पकड़े है जो ढोरिया नाम के, और अभी कौन सा है पता नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सांप है, उनको पहले भी दिखाई दे रहे थे और मतलब आज भी उन्होंने ये किया है, बुलाया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी मतलब हाँ गीली मिट्टी है तो चिपक जाती है, चिपक जाता है। तो ऐसे मतलब ये फसल काट कर ऐसे जमा किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ताकि अगर बारिश भी हो जाती है तो साइड से आकर जैसे घर का छत रहता है ना वैसे बना रहता है, कुछ हाँ अंदर के चावल को मतलब फसल को कुछ नहीं होता, बाकी जो पानी उस पर गिरता है तो वो साइड में से चला जाता है। साइड में हमारा किला दिख रहा है राजहंसगढ़। हमने बोल दिया ना वो मतलब मसूर मोहरी, हाँ, एक वीडियो बनाया था ना मराठी में व्लॉग, वो अभी डालते हैं, वो फसल आ जाती है बाद में। यहाँ पर ये देखिए मतलब ये इसकी सब्जी वगैरह बनाकर खाते हैं। हाँ, ये है जो तुर है जो अभी तक लगा नहीं, इसको बाद में लगेगा। और मैंने तो यहाँ पर मतलब एक गीली मिट्टी करके चप्पल तो पहना है, प्रशांत जी मेरे साथ आए तो उन्होंने शूज निकाल कर आए, वो बहुत सारे कॉल प्रेजेंट आज भी। हाँ, कल कितने मतलब रेस्क्यू किया आप दोनों ने? मैंने पांच सांप पकड़े कल। हाँ? और इन्होंने नौ सांप पकड़े। बाप रे, नौ और पांच। उसमें से वो चूज मतलब चॉइस करके कॉल लिए थे, मतलब मिलने जैसा है तब भी लेते हम कॉल। हाँ? तो कॉल बहुत सारे थे, लेकिन जो सिलेक्ट करके लिया था उतना मिल भी गया सब उतने। रेस्क्यू 13 सक्सेसफुल रेस्क्यूज। यहाँ पर है क्या? कालच दिसला सता लास्ट तक यहाँ पण आज आणि त्रास कर आता हे सगळंच होईतच, एक तास भर झाला तो अरे सापाला बघत थांबलाय। हां, दररोज तुम्हाला साप थांबूनच घ्या लागलाय, थांबूनच घ्यालो हे का आताच कसला आहे की सापांचा सापांचा। है सेम है, वही है, वही ढोरिया, ये देखो कलर डार्क है। हाँ, कलर थोड़ा चेंज है, वो परसों पकड़े थे कल ही ना, ढोरिया ही है ना, कल पकड़ ली ना, कल जो पकड़ा था वो थोड़ा हाड़ोरिया ही है, ये देखो ये थोड़ा धामन जैसा दिख रहा है। हाँ वही बोल रहा ना, धामन नहीं ढोरिया ही है। एक तो बहुत गुस्से रहा था, बहुत ज्यादा काट रहा था। पीछे से पहचान दोगे आप? आनंद जी स्पेशलिस्ट की तरह पहचान रहे हैं, नीचे के शल्क देखकर कलर देखकर। अंदर अंदर घुस रहा है। क्या होता है ये खेत में जो सांप रहते हैं ना, वो अभी ये मिट्टी भी गीली है तो कलर थोड़ा अलग सा दिख रहा है, क्योंकि वो गंदा हुआ है ना। बड़ा है, अरे बाप रे, अरे रे रे गुस्सेल है, बहुत ज्यादा गुस्सेल है। जरा दूर पकड़ो, दूर क्या पकड़ो, अभी दूसरी थैली ले लो ना, काटा नहीं, लेकिन मेरे हाथ की थैली भी ये कर रही है, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी, साइड में छोड़ो, साइड में छोड़ो, इसको छोड़ना पड़ेगा। कल भी ऐसा ही कर रहा था वहां का। सेम तो इतना गुस्सेल हमने पहली बार देखा है। नहीं, कल भी मेरे पैर को ये कर रहा था, काट रहा था। और
जो बाहर था ना धूप सेक रहा था वो इतना गुस्सेला नहीं था, लेकिन ऐसे जो एक घास के नीचे बैठा था वो वाला भी बहुत गुस्सेला था। तो और मैं उसको हैंडलिंग कर रही हूँ लेकिन वो मेरी थैली नीचे नीचे जा रही है, तो मेरे हाथ को काटने की संभावना ज्यादा है, तो मैं डर रही हूँ। मतलब उसको कुछ ये वेनमस नहीं होता ना? नहीं वेनमस नहीं होता है, लेकिन काटेगा तो बहुत जोर से काटेगा, बहुत ज्यादा जख्म हो जाएगी। तकलीफ होती है काटने के बाद? मतलब ब्लेड से काटे तो तकलीफ होती है ना। दर्शकों के लिए पूछा मैंने, तो इंटेंसिटी उसका कितना होता है काटने के बाद? फिर शुरू डांस करने के लिए? नहीं नहीं अभी बीच में पकड़ा है उसको मैंने, पैक कर दीजिएगा। बड़ा है ये तो, ये ढोरिया यानी चकट किलबैक जो पानी में रहना पसंद करता है। और ये मिट्टी अभी गीली है ना पूरी। आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर, अभी मेरे हाथ के ऊपर है तो मेरे हाथ के ऊपर हमला कर सकता है वो। पैक कर दीजिए। ठीक है अभी नहीं कर सकता। मेरे पकड़ में आ गया। तो लोगों को सांपों के बारे में पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये वाला फार्मूला है जो मैं यूज करती हूँ कि हमेशा ये देखो धामन की तरह दे, देखो ना। अभी सामने उसके मुंह की तरफ मैंने थैली में से पकड़ा है और इस साइड से उसने मुझे पकड़ा है, तो अभी ये छोड़ने तक मैं ऐसे ही नहीं तो आप छोड़ो। बहुत जोरों से मतलब मजबूत ऐसा पकड़ पकड़ता है वो। तो उस बांधा लगला है। तो इस तरह से खेत में सांप रहते हैं, संभाल कर काम करना चाहिए। और अभी मतलब पिछले साल से इस साल में मैं देख रही हूँ कि किसान लोग ये जब उठाते तब ऐसे हाथ डालकर उठाते थे, लेकिन अभी पूरा जो इड़ाला क्या मतलब वो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे तो उससे मतलब उनके हाथ में उससे वो कर रहे ऐसा यूज औजार यूज करके निकाल रहे, तो सावधानी बरत रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि वही यूज करो और उसको, क्योंकि हाथ से करेंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, उससे करेंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो लोगों का ये मतलब किसानों का है कि कितना जल्दी काम होता है वो अच्छा ही है, क्योंकि जल्दी लेकिन सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। हाँ मतलब हमें ऐसी जगह पर खेत में जंगल में बाहर जाते हैं तो हमें काम करते वक्त तो सावधानी बरतनी है। तो ये सब पकड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन ऐसे मतलब खेत में है तो वो काम करने के लिए डरते हैं, तो पकड़ना जरूरी समझते हैं और इसलिए पकड़ना है। और ऐसे ढेर सारे हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।